उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू अब जान तू तेरी जान से आया तो परेशान तू करे खान तू तो टिकना असंभव तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटा सर जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाखच कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुख के घबरा मत तू जामत अकेले दोस्तों का साथ ले भी खेले थी ना तंग के लगे लाशों के सेले सो यस बिकॉज़ क्राफ्टर वांट्स टू कॉल इट BGMI नॉट पबजी सो यस आज 18 जून और आज ये गेम लॉन्च होना था बट एक दिन पहले अनएक्सपेक्टेडली कल ये गेम अचानक से लॉन्च हो गया अर्ली मॉर्निंग में और BGMI ने अपने सोशल हैंडल्स पर इसका अर्ली एक्सेस लिंक दिया जिसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को ने ट्राई किया और कुछ लकी लोगों को इसका अर्ली एक्सेस मिल पाया जिसमें से मैं ऑब्वियसली नहीं था बट कल रात को मैंने इसको मैनेज किया कैसे तैसे करके इसका अर्ली एक्सेस लिया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BGMI के बारे में क्या चेंजेस आए हैं और क्या आप अपना डेटा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं और आप भी इस गेम को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट ऑल थिंग असाइड क्या आपको पता है जब ये गेम कल मॉर्निंग में रिलीज हुआ तो मोदी जी इसे खुद भी खेल रहे थे। ये पबजी वाला है क्या? एंड अब बात करते हैं व्हाट इज BGMI। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। और अगर आप लकी रहे और आपको इसका अर्ली एक्सेस मिल चुका है तो इसको किस तरह से सेटअप करना है कि आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर तरीके से आपको रिकवर होकर मिल जाए। सबसे पहले जैसे ही आप गेम को स्टार्ट करेंगे तो आपको यू विल सी ओनली क्राफ्टन, क्योंकि यहाँ पर अब टेंसेंट का कोई हाथ नहीं है तो क्राफ्टन इसको इंडिविजुअल अकेले ही मैनेज करेगी। और ये गेम जो है, गेम का साइज के बारे में बात करूँ तो गेम का साइज 600 MB का है और उसके बाद आपको 3000 MB के अलग अलग रिसोर्सेज डाउनलोड करने पड़ेंगे तो टोटल साइज इस गेम का अराउंड 3.5 GB का हो जाता है। उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसीज दिखाई जाएगी सबसे पहले कि क्या क्या डेटा जो है क्राफ्टन कलेक्ट करेगा आपसे। बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं तो, और क्राफ्टन इसको मैनेज कर रहा है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी चाइनीज कंपनी किसी भी अदर कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद आपको सबसे पहले सोशल मीडिया को अकाउंट लिंक करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आप अपना, मैं प्रेफर करूँगा कि आपका जो ओल्ड सोशल मीडिया ओल्ड ऐप में आपने सोशल मीडिया लिंक किया था अकाउंट उसी को यूज़ करें। फिर आपको कैरेक्टर सेटअप और एक यूजर नेम सेट करने को बोलेगा। आपका ओल्ड यूजर नेम नहीं दिखेगा, जो भी आपका अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम है वही आपको शो कर देगा यहाँ पर उसी नेम से। तो आपको फर्स्टली यहाँ पर कोई रैंडम नेम रखना है। अगर आप अपना ओल्ड यूजर नेम यूज़ करेंगे जो कि आपने पहले रखा था पबजी में तो वो नहीं लेगा, यहाँ पर नेम टेकन शो करेगा आपको जैसे कि मुझे भी किया था। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पहले अपना एक रैंडम नेम सेलेक्ट कर उसको नेक्स्ट करना है। देन आपको वो पूछेगा डेटा रिकवर या फिर डेटा माइग्रेशन करने के लिए, तो आपको उसकी परमिशन देकर आपको अपना इस टाइम पर आपको अपना ओल्ड जो आपने सोशल मीडिया अकाउंट लिंक किया था उसी को यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के बाद आपका डाटा माइग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको लॉगिन पासवर्ड करना पड़ेगा सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, तो आपका माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी सारी इन्वेंट्री से लेकर आपकी स्किन्स हो गई, व्हीकल स्किन, गेम स्किन, जितनी भी आपकी स्किन्स थी सारी यूसी जो आपने परचेज की थी और अदर जो भी आपकी इन गेम करेंसीज है और जितने भी सारे तरीके का अदर स्टफ है, आपकी रैंकिंग्स भी हो गई, सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। अगर मैं सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करूँ कि पबजी और BGMI में क्या सिमिलैरिटीज़ है, पबजी का ग्लोबल वर्जन अभी भी रन कर रहा है, वहाँ पर कोई बैन नहीं हुआ है एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि वहाँ गेम फॉर पीस के नाम से चलता है। तो अगर सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करूँ तो UI से लेकर ग्राफिक्स तक सब कुछ सेम है, क्योंकि क्राफ्टन ने कोशिश करी कि जो वो पबजी का ओरिजिनल टेस्ट था वो उसको ही सेम टू सेम उठाकर BGMI में ला सके, जो कि एक अच्छी चीज़ है आई थिंक मेरे ओपिनियन में, क्योंकि अगर गेम में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ जाते हैं तो जितना हाइप्ड अभी इस गेम को लेकर है वो शायद नहीं होता और जैसे कि फौजी का हाल हुआ था वो इसका भी हो जाता। और आगे अगर मैप्स के बारे में बात करूँ तो पहले इनिशियली कहा जाता है कि इसमें एक ही मैप आएगा, वो इरेंगल हो सकता है या शैनॉक हो सकता है, काफ़ी सारे लीक्स एंड रूमर्स आ रहे थे बट सारे के सारे मैप्स हैं यहाँ पर इरेंगल, शैनॉक, मीरामार और आई डोंट नो मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल कितने टाइम बात कर रहा हूँ बट आई एम हैप्पी टू यूज़ दिस वर्ड नाउ। और हाँ, एक नया मैप आया है काराकिन, विकेंडी को रिप्लेस कर दिया है काराकिन से। बाकी अगर सीजन के बारे में बात करें तो जैसे ग्लोबल वर्जन में सीजन 19 चल रहा है उसी के पैरेलल ही BGMI में भी सीजन 19 चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो यही है। अगर स्टेबल वर्जन में कुछ और चेंजेस आते हैं तो ये चेंज हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं स्टेबल वर्जन में। फिलहाल के लिए तो अर्ली एक्सेस वर्जन में ये सारे फीचर्स आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। डिफरेंस इसके बारे में बात करूँ या फिर BGMI अपने साथ क्या चेंजेस लेके आया है ओल्ड वर्जन पबजी से या पबजी के ग्लोबल वर्जन से, तो कुछ नहीं, बस ग्लोबल वर्जन पबजी को उठाया उसके ऊपर BGMI का टैग लगाया और BGMI रेडी। I'm joking. Okay, with some minor changes. So पहला जो चीज आपको देखने को मिलता है ऑब्वियसली लोगो में, यहाँ पर आपको ट्राइकलर थीम बेस देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन बेस्ड सर्वर्स है, इंडियन बेस्ड गेम है तो इसके जो सारे सर्वर्स है वो इंडिया में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो गेम है BGMI ये इंडिया में ही अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ। तो इसी की वजह से, इंडियन सर्वर्स होने की वजह से जो आप प्लेयर्स के साथ मैचिंग होगी बैटल ग्राउंड में
तो वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही हो पाएगी। उसके बाद अगर बात करूँ आगे, तो गेम मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि आपको एजुकेट करेगा कि गेमिंग के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें, हाइड्रेटेड रहिए जब भी आप गेम खेलते हैं, इतना उसमें एडिक्शन मत रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वो गेम मैनेजमेंट सिस्टम बताएगा। क्राफ्टन ने ट्राई किया कि इस बार BGMI को, जो लास्ट टाइम बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि बहुत वायलेंट गेम है, उसको लेस वायलेंट बनाने के ट्राई किया गया है। जैसे कि जब भी आप मैच में एंटर करेंगे तो आपको इस तरह की एडवाइस दी जाएगी। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. और यहाँ पर किल वर्ड को हटा दिया गया है। जैसे कि आप किसी भी प्लेयर को यहाँ पर मैच के अंदर किल करते हैं तो वो किल वर्ड को हटाकर फिनिश कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स भी चेंज किए गए हैं, जैसे कि जब भी आप किसी प्लेयर को किल या फिर मैं आप कहूँ कि फिनिश करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रीन इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप सेटिंग्स में जाकर से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो का ऑप्शन दिया गया है, रेड यहाँ पर नहीं, क्योंकि जो रेड ब्लड स्पॉट थे वो कहीं ना कहीं इस गेम को ज़्यादा वायलेंट दिखाते थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है। और अब और एक चीज़ है कि जब भी आप किसी प्लेयर को फिनिश करते हैं तो वो आपको डेड नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको एक जो कुछ फेदर या फिर लीफ करूँ वहाँ से वो एक्सप्लोड होती है और इस तरह कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि इस गेम को अर्ली एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है। तो इंटरनेट पर आपको कई सारे APKs अवेलेबल दिख जाएंगे थर्ड पार्टीज, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन APKs को जाके डाउनलोड करें, क्योंकि आपके फ़ोन में कई सारा मालवेयर, वायरसेस वगैरह आ सकता है, या फिर अगर कुछ भी डेटा ब्रीचिंग होती है तो उसके लिए BGMI या फिर क्राफ्टन रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जो अर्ली एक्सेस लिंक दिया गया है वहां से वो आपको ले जाएगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। ऐप स्टोर पर, iOS के ऐप स्टोर पर भी ये गेम जल्दी आ जाएगा, तो अगर आप iOS यूज़र हैं तो ऐप स्टोर को प्रेफर कीजिए। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अगर APK आप डाउनलोड करते हैं तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम इसको टेस्टिंग के लिए डाउनलोड किया था तो गेम क्रैश हो गया था, और एक दो बार गेम क्रैश हुआ था, तो यार थी कि उसमें कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर और मैलवेयर वगैरह आ सकता है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए अगर आप कुछ APK वगैरह डाउनलोड कर रखें, वरना मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑफिशियल रिसोर्सेज से ही इसको डाउनलोड कीजिए। बाकी ये रहा आपके लिए न्यू गेम का गेम प्ले, कैसा लगा है कमेंट्स में बता सकते हैं। और कुछ बग्स आपको अगर अर्ली एक्सेस मिल गया तो देखने को मिल सकते हैं, और आई थिंक क्राफ्टन इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।